ये सब चीजें मुझे थोड़ा थोड़ा पता थी, लेकिन जब लोगों ने भी कहा कि ऐसा है, लड़का होगा, तभी मुझे लग रहा था कि और कुछ पता चले कि और क्या सिम्टम होते हैं। तो फिर तीसरा सिम्टम था, लोग मुझे, बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि तुमको लड़का ही होगा, देखना लड़का ही होगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि लड़का ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी थे कि मतलब सटीक बता देते थे कि थोड़ा मतलब अपनी कोई एक्टिविटी करके दिखाओ, तो मैं जब करती थी अपनी एक्टिविटी कि हाँ अब तुम्हारा पक्का लड़का ही होगा। और जो दो चार लोगों के अंदर देखा है, जो वो मैं बता रही हूँ कि लड़कियों की डिलीवरी पहले हो जाती है, मतलब जो लड़कियाँ होती हैं, तो वो लड़के का सिम्टम्स होता है कि वो लड़का होता है। मम्मी, इसको कहते हैं अंदाजा जी। नई नवेली दुल्हन। ये चौथी है ना? तो हद कर शिशो, गुड्डू कहाँ गया यार? इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे तेरी मम्मा से, पता नहीं कहाँ गया है। बड़ा जल्दी आवाज दे। मम्मा आ जाती क्या? तो तुम्हारी मम्मा आती है? यहाँ पे सेलिब्रिटी बन चुकी है मुझे बच्चा जन्मने के बाद, और यहाँ पे एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, तो बताइए क्या कहना है आपका इस बारे में? बच्चों में बहुत अच्छा। अबे तेज बोल, हटो ना पहले, मुझे बैठने तो दो। बच्चा पैदा करना बहुत अच्छी बात होती है। बच्चा पैदा करना एक स्त्री का काम है। एक स्त्री के दो पैर दो हाथ होते हैं, उसके सर पर सींग होते हैं, उसके बाल लंबे होते हैं, देखने में वो खूबसूरत होती है। पैदा करना आसान काम नहीं है। अच्छा, बहुत तो मुझे आपसे ये पूछना था। हाँ? कि आपने जो बताए थे ना मुझे, बहुत शुरू में आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं इस बीच में, कि ऐसा है तो लड़का होगा, वैसा है तो बिटिया होगी, ऐसा तो बिटिया वाला तो किसी ने कहा नहीं था आपसे, है ना? हाँ, है ना? ये तो है, मुझसे किसी ने भी नहीं कहा था कि आपको लड़की होगी। सब मुझे हाँ, जो जो सिम्टम्स जैसे बताए थे ना आपको कि ये सिम्टम है तो लड़का होगा, ऐसा है तो लड़का होगा, ऐसा है, तो मतलब लोग ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि लड़का ही होगा। मैं कहता हूँ यार, नहीं लड़की होगी, मेरे तो पोपट हो गया। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं लड़का और लड़की वाले, ऐसे मैं इसलिए मैं भी मतलब जानना चाहती थी कि मेरे मतलब क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी इस चीज़ की, बस इसलिए नहीं कि लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं, लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा नहीं आ रहा लगा लो। मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे मतलब लड़कियां बहुत पसंद है और मेरी चाहत भी थी। तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? आपकी भी चाहत थी कि लड़की ही हो हमारी। लड़कियां पसंद है तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? मतलब लड़कियां होने वाली, बच्चा होने वाली, जो लड़कियां लड़के होते हैं ना, वो चीज। इतने दो यार, तो मैं तो पुपट कर दिया तुझे। अब यार यार क्या बात करी यार तुझे एकदम। हां चलो, इतना दिमाग क्यों लगाते हो यार? हां तो ना मतलब आपको भी चाहत थी इस चीज की, लड़की हो। मुझे भी लड़कियां पसंद है तो लड़की शादी कर लेते ना, मुझसे भी क्यों करी? आप लड़की हो, कितनी क्यूट हो आप, कितनी प्यारी हो आप, है हाँ। यार मेरी बात को काटा मत कर यार, तो मैं इसको लड़ाने लगते हैं बीच बीच में ना, अब नहीं लड़ाएंगे ठीक है? हाँ तो ना मुझे, अब मैं आपका कैमरा मैन ठीक है? तो मुझे भी आप देखो, आप ही वीडियो बनाना चाहती थी ना इस बारे में? बनाना चाहती थी ना, लेकिन आप तो कभी भी कैमरा लेके शुरू हो गए और फिर मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हो के सामने। मैंने बेइज्जती नहीं किया, मैं तो थोड़ा सा क्यूट कहा था आपको। तो बात नहीं काटते ना कोई, बात नहीं काटूंगा। जब बड़ा इंसान बात कर रहा होता है ना, तो उसके बीच में बच्चे नहीं बोलते हैं ना। ठीक
ठीक है मैम। हाँ तो मैं कहाँ पे थी? आप बात और बीच में बच्चे। अच्छा हाँ तो बस वही ना, सब लोग मुझे बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि तुमको लड़का ही होगा, देखा लड़का ही होगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि लड़का ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी थे कि मतलब सटीक बता देते थे कि थोड़ा मतलब अपनी कोई एक्टिविटी करके दिखाओ, तो मैं जब करती थी अपनी एक्टिविटी कि हाँ अब तुम्हारा पक्का लड़का ही होगा, तो एक्टिविटी जैसे कि चल के दिखाओ। अच्छा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब जब प्रेग्नेंट लेडीज जब चलती है तो उसके गर्भ में लड़का है लड़की है जानने के लिए लोग सर्च करते हैं, जब वो चलती है तो वो सीधा पैर सबसे पहले उठाती है तो वो मतलब लड़का होता है, सीधा पैर जल्दी उठता है हाँ, तो वो लड़के का सिम्टम्स होता है कि वो लड़का होता है। और चलने में उनको ये भी पता चल जाता है कि कमर चौड़ी है, कमर भारी है, या मतलब पेट आगे की तरह से, ये सब चीज़ें भी वो लोग जान जाते हैं। तो मेरा क्या था कि मेरी मतलब कमर बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, बस मेरा आगे आगे की तरफ पूरा पेट ही दिखता था, तो इससे भी लोगों को पता चला कि लड़का होने वाला है। और हाँ सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है, मैंने भी ये चीज़ के बारे में सर्च किया है कि जो हमारी टमी लाइन होती है जो वो बिल्कुल सीधी होती है, एकदम ब्लैक होती है और वो सीधी होती है, ज़्यादा डार्क ब्लैक और सीधी एकदम से होना तो इसका मतलब है कि लड़का होने वाला है। तो मुझे इस चीज़ से भी लगता था कि लड़का होने वाला है, बट मुझे चाहत तो लड़की की ही थी कि लड़की ही हो, लेकिन अब नहीं हुई तो क्या करें, अब तो वीडियो अगली बार क्या लड़का हुआ है, अगली बार के लिए मैं गॉड से प्रे करूँगी कि मेरी लड़की ही हो। सच में लड़कियाँ ना, मुझे पता है मैं तो एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनाना उनको, इतने क्यूट से, कितने अच्छे से नए नए स्टाइलिश कपड़े होते हैं, लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लड़कों के पास टी शर्ट होता है तो लंगोट पहन के घूमता रहता है, लड़कों के पास ना तो नंगा पड़ा रहेगा, लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कपड़ों के लिए, लड़कियों के पास कुछ सारे ऑप्शन होते हैं। नंगा अभी भी देखो नंगा, ये नंगे की बात कर रहे, कैसे नोच रहा है बुआ को, कट कर देंगे। और तीसरा सिम्टम मेरा ये था कि वैसे दो सिम्टम कौन से बता दिए आपने, एक तो ये कमर वाला, पेट वाला, तीन बता दिए मैंने। आपके साथ क्या क्या हुआ था? मैं अपना ही बता रही हूँ। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था और इसका रीजन यही है कि ये अच्छा, सिम्टम लड़के वाले होते हैं। हाँ अभी जब तक रोए ना ना तब तक इस पे खाना ही तो आप खुद से बाल काटने हैं उसके लिए? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, नहीं कर पा रही मैं कुछ भी। तभी तो कह रहा हूँ असलियत दिखाना जरूरी नहीं होता है। अभी मुझे दिक्कत है, मैं नहीं कर पा रही। हाँ, तो कोई जो सजने धजने वाली वीडियो होगी ना वो आप अपनी बाद में बनाओगे, ठीक है? गुड्डू को मतलब गुड्डू कह रहा मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बात करना लोगों से ना, ये मतलब ऐसी लेटी रहती हूँ ठीक से, मतलब बाल बाल भी नहीं कर पा रही है ना, मेकअप मेकअप की जरूरत क्या है गुड्डू को, कितना तो खूबसूरत है, मैंने लग रहा कितना खूबसूरत है, लेकिन अभी जरूरी है ना बताना, लोग पूछ रहे हैं तो बताना जरूरी है, तो इसलिए हमने सोचा है कि हम लोग ये सब जो डिटेल्स है ना अपने ब्लॉग में इंक्लूड करें, ठीक है? तो हम क्यों अलग से वीडियो बना के डालें, हम अपने ब्लॉग में ही दिखाएंगे, ब्लॉग में नॉलेज देंगे। हाँ, और फिर मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जो ना इसकी वजह से मेरी वीडियोस ही थोड़ी बीच में रुक गई थी क्योंकि तो इसको बहुत तेज भूख लगी थी, शिवाय को तो मैं इसको भूखा तो नहीं देख सकती, मैंने कहा थोड़ी देर रुको मैं भी इसको फीड करा के फिर बात करती हूँ लोगों से। सो गया है अभी, उसको कोई दिक्कत होती है तभी परेशान करता है, अक्सर छोटे बच्चों में एक महीने तक दो महीने तक एक प्रॉब्लम होती है, पेट में ऐठन होती है उन लोगों को, तो ये ना बेचारे हाँ मतलब मैं अभी
वो फिर से दे देंगे एक बार वो दवाई चुवाई वो लिख के फिर से दे देंगे उनको सारा हरण हरण छोटी हरण हाँ नहीं नहीं आपको दिक्कत होगी बैठ नहीं पाती हो ना तो फिर नहीं बैठो लेट जाओ आप चुपचाप देखो देखो आराम से आराम से आराम से थोड़े दिन की और दिक्कत बस इतनी सारी दिक्कत झेल गए तो अब दो चार दिन की जल्दी इसकी तो चिंता क्यों कर रहा है मोटू सोच लिया दिमाग में अरे मैं तो उल्टा रखूंगी पहले ऐसा नहीं होता है वो तो लोग देख के बताते हैं ऐसा ही हुआ था बोला था चल के दिखाओ और जब चलते भी है ना तब भी ऐसा उस पैर में थोड़ा सा अलग ही हरकत रहती है हाँ वो ना अलग ही रहती है तो पहला सिम्टम ये था दूसरा था कि पेट जो होता है वो आगे की तरफ होता है सारा मतलब गोल मटोल सा पेट होता है आगे की तरफ सारा आगे कमर बिल्कुल भी नहीं फैली होती है अगर सिम्टम है लड़का होगा तो लड़की में थोड़ी कमर चौड़ी हो जाती है पेट भी थोड़ा छोटा छोटा दिखता है ऐसे बिल्कुल फैला फैला सा मतलब ऐसे गोल मटोल सा नहीं दिखता है हाँ। मेरा पेट तो ऐसा ही था एकदम पूरा बाहर की तरफ हाँ पूरा ऐसा ही था ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा थोड़ा पता थी लेकिन जब लोगों ने भी कहा कि ऐसा है लड़का होगा तभी मुझे लग रहा था कि और कुछ पता चले कि और क्या सिम्टम होते हैं तो फिर तीसरा सिम्टम था क्या था मैंने क्या बताया था अभी हाँ टमी लाइन जो होती है हाँ, जो यहाँ से आई थी गुर्दों की पूरी हाँ, ऐसे करके पूरी नीचे तक हाँ वो एकदम डार्क ब्लैक और बिल्कुल सीधी थी ये चीज तो मैंने भी सर्च करी थी गूगल वगैरह पे तो उसमें भी यही था कि लेकिन पता है हमें मानने को उस टाइम पे तैयार नहीं आप लास्ट टाइम तक नहीं तैयार थे मानने के लिए आपको लास्ट टाइम भी यही लग रहा था कि लड़की होगी क्योंकि लड़की की चाहत थी इनको हाँ फिर चौथा सिम्टम था कि मीठा बहुत पसंद था मुझे वैसे तो मुझे हमेशा ही पसंद है लेकिन अगर कुछ लेडीजों के साथ मैंने देखा है कि जिनको मीठा मूवीज में दिखाते हैं खट्टा खा रहे हो खट्टा खा रहे हो हाँ तो वो खट्टा और नमकीन तीखा जिनको पसंद होता है वो लड़कियों के सिम्टम होते हैं उनको लड़की होती है अच्छा हाँ और मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि मतलब जिनको बिल्कुल मीठा नहीं पसंद है कतई मीठा नहीं खाते वो लोग उनको मीठा पसंद आने लगता है वो लोग बहुत मीठा खाते हैं क्योंकि उनका उनके मतलब पेट में जो पल रहा होता है शिशु जो गर्भ में वो लड़का होता है ये इस चीज़ की भी पहचान है मुझे तो वैसे ही मीठा पसंद है और मैं तो खाती भी बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी बस मुझे मेरा क्या था कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है जैसे हाँ गोलगप्पे पसंद है मोमो बहुत पसंद है मुझे सब कुछ ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल भी छोड़ दी थी जैसे ही मैंने कंसीव किया था उसके तुरंत बाद ही मुझे बाहर का बिल्कुल भी अच्छा लगता था उसमें मतलब अजीब सी एक स्मेल लगती थी और एक चीज़ से मुझे दिक्कत हुई थी सिर्फ लहसुन और प्याज से और मुझे बाकी किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे तो स्टार्टिंग में जैसे लोगों को मतलब दिक्कत होती है उल्टियाँ होती हैं चक्कर आना फीवर भी आ जाता है बहुत सी दिक्कतें होती हैं लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई एंड तक नहीं हुई फिर एंड में वैसी दिक्कत हुई थी जो मैं अभी बताने वाली हूँ मुझे जो 3-4 महीने तक जो दिक्कत रहती है लेडीज़ों को कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं उल्टियाँ हो रही हैं और उन्हें मतलब फीवर भी आ जाता था ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ बाकी मेरा जी मिचलाता था मुझे बहुत ज़्यादा जी मिचलाता था कि मैं कुछ खा नहीं पाती थी उल्टियाँ नहीं होती थी खाने का मेरा टाइम था कि मैं 1-2 बजे तक दोपहर के कुछ भी खा लूँ तो खा लूँ फिर उसके बाद नहीं खपता था तो मैं पहले ही अपना पेट भर लेती थी मुझे पता होता था कि अब मेरा जी मिचलाएगा शाम के टाइम खा नहीं पाऊँगी तो पहले ही अपना पेट वेट भर के फ्री हो जाती थी शाम को खपता ही नहीं था फिर शाम को जी सा मिचलाता था और गोलगप्पे वगैरह सब कुछ मेरे छूट गए थे मैंने लास्ट तक 9 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए तब तक मैंने ऐसा बाहर का कुछ भी नहीं खाया कुछ भी एक बार समोसा खाया था वो भी अपने आधा हाँ जो खुद मंगाया था थोड़े वो थोड़ा कुछ अलग खाने का मन करा था कि खाना नहीं खाना है कुछ अलग खाना है तो इसलिए आधा समोसा खाया था हाँ मैंने एक बार खस्ते खा लिए थे मुझे खस्ते और कचौड़ी बात कर रही थी कि मैंने मुझे खस्ते बहुत पसंद है यहाँ एक फेमस है इटावा में मेरे यहाँ पे खस्ते और सब्जी
तो बस वो मुझे इतनी पसंद है कि बहुत ही ज़्यादा, अब तो अब भी उससे नफरत हो गई मुझे, अब भी नहीं खाती। एक बार उल्टी हो गई थी उससे मुझे, तो बस मेरा खाना छूट गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि अगर आपको मीठा पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा आप लोग खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में जो पड़ रहा है सिसु, वो लड़का है। हो सकता है, ऐसे चांसेस ज्यादा हैं। जो मैं सिम्टम बता रही हूँ अगर सारे मिलते जुलते हैं, तो सारे हैं, मिलते जुलते हैं तो लड़का ही है, ये मैं कंफर्म खुद से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही बोलता है कि लड़का होगा। चार बताया ना मैंने भी, पांचवा सिम्टम ये है कि अगर आपको, जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको बाई वो ये लेफ्ट हैंड तरफ करवट लेके लेटना है, डॉक्टर लोग बोलते हैं, क्योंकि उससे ना ब्लड फ्लो बच्चे पे मतलब चढ़ता है, उससे बच्चे पे ब्लड, हाँ वो मैं बता रही हूँ तो ना, और मतलब बच्चों के लिए सही रहता है, बच्चे के लिए हेल्दी रहता है अगर हम लोग लेफ्ट साइड सोते हैं तो लेफ्ट साइड ही अच्छा रहता है, वरना तो एसिडिटी होती है ना। अच्छा, अगर हम राइट साइड सोते हैं, हाँ तो ना फिर डॉक्टर लोग ऐसा ही बोलते हैं। वैसे डॉक्टर यही भी बोलते हैं करवट से लेते हैं, करवट लेके लेते हैं। तो मेरा क्या था कि मैं लेटती थी लेफ्ट साइड करवट लेके, लेकिन जब मैं नींद में जाती थी, जब मैं सोती थी, तो मैं अपने आप राइट साइड हो जाती थी। मुझे राइट साइड ही तक कंफर्टेबल लगता था, मतलब कुछ पूछो नहीं, मुझे बहुत सुकून मिलता था उसमें बहुत। तो एक लोग ने पूछा मुझे कि तुम्हें किस साइड लेटना पसंद है, तो मैंने उनको बोला कि राइट साइड। तो उन्होंने मुझे मतलब कन्फर्म करके बोल दिया कि तुम्हारा लड़का ही होगा। तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़का ही होगा, काफ़ी सारे सिम्टम मिले। और जब मेरे ये लड़का जब मेरे हुआ, ये 2 महीने का जो मेरा बेटा है क्यूट सा, 2 महीने का, 2 महीने का, अरे यार 25 दिन का, 25 दिन आज कितनी डेट है, 24 है आज। अच्छा तो बस वही 25 दिन हो जाए, कल का व्लॉग जब आप देखेंगे तो वो 25 दिन हो चुके होंगे। तो वो 25 दिन का, 2 महीने का, अरे यार 2 महीने का क्यूट सा बेटा, हाँ भाई। तो ना इतना क्यूट है जो मेरा बेटा है, जब वो आया तब मुझे सारे सिम्टम्स समझ में आए कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे सिम्टम्स थे, इसीलिए थे कि जो मेरे पेट लोगों की बात सच थी, हाँ वो जब गर्भ में पल रहा था जरूर लड़का था। तो बस मेरे सारे सिम्टम्स यही थे। और एक चीज़ भी होती है, लोग बोलते हैं कि सुंदर हो जाते हैं अगर लड़का होता है तो सुंदर हो जाते हैं। मैं ज्यादा सुंदर दिखाऊंगा, तो कैसा दिखता था, देखो देखो ये देखो। हाँ तो मैं लास्ट टाइम पे जब मेरी जब डिलीवरी होने वाली थी, उस टाइम मेरा चेहरा मुरझा गया था, बाकी टाइम मैं खूब खुश रहती थी और सुंदर भी दिखती थी, मोटी भी हो गई थी, काफी हेल्दी हो गई थी मैं, अब सूख गई थोड़ी, काली सी भी हो गई हूं। डॉक्टर ने इतनी सारी आयरन की गोलियां दी थी ना, सुबह शाम दोनों खाने के, अब तक एक भी नहीं खाई है अपने। अभी मैं पहले ये दवाइयाँ तो खा लूँ, इतनी सारी दवाइयाँ खा ली मैं जो घाव भरने की, पहले वो तो खा लूँ, फिर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। इससे अपोजिट लड़कियों के होते हैं, तो लड़कियों के जिसके जिसकी लड़की हुई होगी ना, तो नहीं इससे अपोजिट लड़कियों के होते हैं बस, मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लड़की है, ठीक है, तो इतना ही सिंपल होता है बस, है ना। और एक चीज़ भी होती है लड़कियों की, जो लड़कियों का जो होता है ना वो डिलीवरी टाइम लड़कियों का पहले ही हो जाता है, मतलब डिलीवरी पहले ही हो जाती है टाइम से। अच्छा, मैंने 2-4 लोगों का देखा है, तो मेरे साथ आपका टाइम के 4 दिन बाद हुआ है ना, 9 महीने 7 दिन की डेट थी, अभी 9 महीने 12 दिन पे हुआ था ये। हाँ मतलब कि मेरा जो लड़कियाँ जो होती हैं वो 8 महीने के बाद कभी भी हो जाती है। अच्छा, हाँ मैंने ऐसा देखा है, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ के बारे में, मैं नहीं कह सकती, बाकी का मैंने जो सुना है और जो 2-4 लोगों के अंदर देखा है जो, वो मैं बता रही हूँ कि लड़कियों की डिलीवरी पहले हो जाती है, मतलब जो लड़कियाँ होती हैं। और बाकी हम अपने ब्लॉग पे इतना ही रखते हैं, जो हमारे सब्जी खा के निपटा देंगे, दिखा नहीं रहे भी, और जो आपकी जो बातें हैं जो मैंने सब लोग को बताई हैं वो जानना ज़रूरी है, चाय और सब्जी को कट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के कमेंट आए थे कि आप में सिम्टम्स शेयर कीजिए, आपके साथ कैसा था बेबी बॉय या बेबी गर्ल, कैसे जानकारी लें, तो ये चीज़ मैंने बताई है बस। लोग कैंट करते हैं, हाँ छोड़ो।